नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेयर कंपेयर पर। आज मेरे पास है नोकिया 110 4G। अब ये एक कीपैड वाला फ़ोन है जिसमें कि टच काम नहीं करता है और ये 4G के साथ आता है और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जियो की सिम इसमें चल जाएगी, इसमें वोल्टी का सपोर्ट है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करता हूँ, इसके बारे में सारी चीज़ जानते हैं। अगर आप भी 2-3 हज़ार रुपये तक में एक 4G फ़ोन लेना चाहते हो, कीपैड वाला फ़ोन चलेगा, 3 हज़ार तक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए आपको, गाने वाने बज जाएँ, म्यूज़िक वगैरह सुन सको और कैमरा भी हो, तो ये फ़ोन आपके लिए है। चलिए इसके डिटेल्स में बताता हूँ धीरे धीरे और साथ ही इसको अनबॉक्स भी करते हैं। तो ऊपर जिस तरीके से दिख रहा है, अंदर थोड़ा सा अलग होगा। बॉक्स की क्वालिटी बहुत कमज़ोर मुझे लगती है, पर ठीक है, कीपैड वाला फ़ोन आप ले रहे हो। नोकिया से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि नोकिया बहुत अच्छे बॉक्सेस पहले बनाया करता था। फ़ोन देख सकते हो आप, काफ़ी प्यारा सा यहाँ पर दिखाई देता है। तो फ़ोन में सबसे पहले आपको दिखाई देगा बहुत बढ़िया सा कलर, येलो कलर यहाँ पर दिया हुआ है। और आप देखोगे यहाँ पर प्लास्टिक का कीबोर्ड आपको दिखाई देता है और 1.8 इंचेस की आपको स्क्रीन दिखाई देती है। क्या टाइप है स्क्रीन का, सारी चीज़ आगे बात करेंगे, पहले बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो बॉक्स खोलने के लिए आपको इस तरीके से ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक चार्जर जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है नोकिया के चार्जर की। यहाँ पर ये देखिए माइक्रो यूएसबी वाला जो है पिन आपको मिल जाती है और ये प्लग मिल जाता है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और क्या आएगा बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर आता है दोस्तों ये क्विक गाइड नोकिया 110 4G। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, कीपैड वाला फ़ोन है, बैटरी रिमूवेबल है, तो इसकी बैटरी आई थी इस पन्नी में, लेकिन मैंने जो है उसको निकाल दिया और लगा दिया फ़ोन के अंदर ताकि मैं आपको फ़ोन चालू करके तुरंत दिखा सकूं। तो लॉन्ग प्रेस करके रखा मैंने रेड बटन नहीं है वैसे यहाँ पर, ये वाली बटन तो किल बटन कह सकते हो, उससे फ़ोन चालू हो जाता है और नया सा कुछ साउंड सुनाई देता है नोकिया का, पुराने वाले से थोड़ा सा एडवांस हो गया है। इस तरीके से आपको एक 1.8 इंचेस की QVGA स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके बेजल बहुत ज़्यादा है, बट स्क्रीन ठीक ठाक सी आपको मिल जाती है। ऊपर आपको बैटरी का साइन मिल जाएगा और इसके ऊपर मेन्यू का बटन मिलेगा, मेन्यू के लिए आपको ये बटन प्रेस करनी होगी। बहुत अच्छी बात है कि इस वाले बटन पर सीधा कैमरा दे दिया है, यहाँ पर आप सीधा कैमरा पे जा सकते हो, मतलब एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है और यहाँ से बैक का बटन मिल जाता है, या फिर गो टू में चले जाते हो आप, गो टू में तो वही रिसेंट ऐप्स वगैरह आपको मिल जाएगी। मेन्यू में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी जो कि आप फोटोज़ खींचेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगी, और कुछ फोटोज़ आप इसमें स्टोर भी कर सकते हो अपने मेमोरी कार्ड के थ्रू। 32 GB तक का कार्ड आप इसके मेमोरी स्लॉट में लगा सकते हो, जो एक्सेप्टेबल रहेगा इस फ़ोन के लिए, उससे ऊपर लगाओगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इंटरनेट चला सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि 4G फ़ोन है, वोल्टी चलेगा तो इंटरनेट यहाँ पर तबीयत से आप चला सकते हो। बस वही है कि जब भी बाहर आओगे ऐप किल हो जाएगी अपने आप, क्योंकि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड ऐप किल का बटन नहीं दिया है। मैसेजेस, कैमरा, जैसा कि कहा था स्नेक का गेम है दोस्तों, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर FM रेडियो है, म्यूज़िक है, वीडियो प्लेयर है, कार्ड है तो वीडियो प्लेयर होना ज़रूरी था वरना हम वीडियो कैसे देखते। सेटिंग्स हैं, अलार्म है, एक इंग्लिश विद ऑक्सफोर्ड है, साथ में एरो मास्टर एक गेम है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए बाय फुल गेम, एक मज़े की बताता हूँ, अगर आप जियो की सिम इसमें चला रहे हो तो खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा। अगर आप किसी और दूसरे सिम को चला रहे हो तो आपको एक गेम बाय करना होगा। तो बहुत सारे गेम है, देखिए एरो मास्टर है, रेसिंग अटैक है, माई फाइल्स के अंदर आपको पता है कि फाइल मैनेजर होता है, एक्स्ट्राज है, इसके अलावा मोर गेम्स हैं। अब मैं आपको कुछ और फीचर्स इसके बता देता हूँ। पहले हम अब मैंने मोबाइल के अंदर की चीज़ बता दी आपको, फिजिकली हम देख लेते हैं फ़ोन को कैसे है। बटन्स काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्सिव हैं और ये देख सकते हो आप कि इजी टू फाइंड है, बढ़िया सी है, कोई परेशानी इनमें नहीं लग रही है मुझे। तो ऊपर आपको ईयरपीस देखने के लिए मिल जाएगा और बड़ा जो स्पीकर है वो नज़ारा है यहाँ से, तो ऊपर से ही जो है आपको मेन साउंड भी सुनने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है एक टॉर्च वाला लाइट, तो इस ऊपर वाली बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो टॉर्च चालू हो जाएगा, ये जनरल होता है। पीछे की तरफ आपको बढ़िया सी नोकिया की बैजिंग मिल जाएगी और मिल जाएगा एक कैमरा जो कि 0.8 मेगापिक्सल का होता है, ठीक ठाक सी इमेजेस ये निकाल देगा। अब करते हैं इस बॉक्स को ओपन, सॉरी इस फ़ोन को ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है, खोलोगे बहुत ही इजीली ढक्कन निकल जाता है। इजीली इसका मतलब ये नहीं कि मतलब खोलते ही रहना है, टूट जाएगा तो फिर रबर लगाना पड़ेगा जैसे कि पुराने ज़माने में लगाया करते थे। यहाँ पर आपको एक बैटरी मिल जाएगी, इसका एमएच बताने की जरूरत नहीं है, नोकिया का फ़ोन है, बहुत दिन चलने वाला है। कुछ इस तरीके से आप इस बैटरी को निकाल सकते हो, ये BL5C 1020 mAh की बैटरी है, 3.7 वाट 3.8 वाट आवर की बैटरी है, ये ठीक ठाक सी है और आपको काफ़ी अच्छा सा 3-4 दिन का जो है स्टैंड बाय टाइम तो दे ही देगी। फिर बात करते हैं इस फ़ोन के अंदर की, तो देखो यहाँ पर एक माइक्रो SD स्लॉट डला हुआ है जो कि 32 GB तक सपोर्ट करेगा। कैमरा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 सिम स्लॉट दिए हैं और इनमें लगती है दोस्तों माइक्रो सिम का ज़माना जा चुका है, अब नैनो सिम यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो दोनों ही में आप 2G 3G 4G लगा सकते हो और वोल्टी सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, तो क्योंकि वोल्टी सपोर्ट है आप HD कॉलिंग भी यहाँ पर कर पाएंगे इस फ़ोन के साथ।
तो बढ़िया सा डिज़ाइन है और इसको हम कर देते हैं पैक और बहुत इजीली ये पैक हो गया। नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि माइक्रो यूएसबी का पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा जिसको आप चार्जर को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो और चार्ज पे लगा देना, चालू करना है तो बहुत ज़्यादा तबीयत से खतरनाक तरीके से लग रहा है। सॉरी, तो कुछ एक फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर इंटरनेट आप चला सकते हैं, ओपेरा मिनी का ब्राउजर आपको मिल जाता है यहाँ पर, ओपेरा मिनी से आप इंटरनेट चला सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप इसके अंदर स्पीड डायल तो लगा ही सकते हैं, साथ में कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हैं जिसमें कॉल रिकॉर्ड हो सके, ये फ़ोन आपके लिए बना है। तीसरी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर HD वॉइस कॉल कर सकते हैं वोल्टी के थ्रू। चौथी चीज़ ये है कि आप इसमें कॉन्टैक्ट की पिक्चर्स लगा सकते हैं जब आप कॉन्टैक्ट्स पर जाएंगे। फिलहाल इसमें एक भी सेव नहीं है, पर यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट्स ऐड करते हैं तो आप उसमें उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं, जबकि फ़ोन आएगा तो आपको दिखाई देगी। एक बहुत ही बड़ी कमी इस फ़ोन के अंदर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अब, वो ये है कि दोस्तों इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो आप अपने ईयरबड्स को या कोई भी ऐसी डिवाइस को, अपनी घड़ी को, घड़ी वैसे से कनेक्ट भी नहीं होगी लेकिन ईयरबड्स को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। गाने सुनना है तो आपको 3.5 mm के जैक के थ्रू ही करना पड़ेगा। कोई फाइल शेयरिंग आपको करनी है तो इसमें उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ब्लूटूथ के साथ साथ इसके अंदर वाईफाई भी नहीं है। तो आप 32 GB का कार्ड इसके अंदर डाल दोगे, उसके बाद उसमें गाने वगैरह डाल दोगे, लेकिन वो शेयर करना है तो आप नहीं कर सकोगे। पर नोकिया है, इससे आप पत्थर नहीं तोड़ सकते हो। ये नए ज़माने का नोकिया है, बट ठीक है, फिर भी आपको काफ़ी अच्छा सही मिल जाएगा। पीछे की तरफ बढ़िया सी फिनिश है तो ग्रैप करने में काफ़ी आसानी होती है और कॉलिंग के लिए बहुत बढ़िया फोन की रिकॉर्डिंग वगैरह का फीचर्स भी दे देता है। अब अगर आप इसका प्राइस पूछोगे तो 2900 रुपये में अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।